ये YouTube चैनल वाला अल्ताफ पहलवान है खंडवा का, इसकी भी बहुत कुर्बानी है। छोटे बड़े दंगल में जाता है, हिंदुस्तान के बड़े बड़े दंगल में जाके वीडियो बनाता है। वारना भी गया था, महाराष्ट्र केसरी की वीडियो बनाया इनने, और आज अपने यहाँ आया तो मैं चाहता हूँ कि उसको भी एक लिफाफा दे दे कमेटी। ताले बजाए पहलवान, ये अल्ताफ पहलवान जो उनकी लड़की को लाया मेरे दोस्त, एक कुश्ती थी उसकी। अल्ताफ पहलवान की भी तबीयत नरम गरम चल रही, मगर वो बोलता है मेरा दंगल ही मेन है, मुझे दंगल में जाना है, बच्चों की वीडियो बनाना है, बच्चों को लड़ाना है। लड़ो पहलवान, बीच में लड़ो, दाव मारो, उस्ताद का नाम रोशन करो, और आड़े देने हाथ पर मत डालना, आड़े देने डालेंगे तो कमेटी छुड़ा देगी। साफ सुथरी कुश्ती लड़ो, किसी को तकलीफ ना जाए, और ये खेल है 10 बार कुश्ती होती, ऐसा नहीं कि आज हो गई, कल भी होगी, परसों भी होगी, 10 बार लड़ते कुश्ती, किसी को कहते पहलवानी, ऐसा नहीं कि आज कुश्ती हो गई तो दोबारा नहीं होगी, 10 बार कुश्ती होती। महाराष्ट्र में देखो अजहर पटेल की कुश्ती एक ही लड़के थे 5-5, 6-6 बार। लड़ो पहलवान लड़ो, थोड़ा अंधेरा होने पे आया है, लड़ो। दंगल छोटा हो बड़ा हो, कुश्ती होना जरूरी है, बच्चों की जो बाहर गया है उनकी कुश्ती लगाना बहुत जरूरी है। लड़ो पहलवान, अच्छा लो पप्पू पहलवान भुसावल की उस्ताद है अपने हाजी पहलवान अखाड़े के, और वो हमारे भाईजान भी दोनों ही बड़े बड़े हिंद केसरी का कुश्ती का फैसला देते हैं, रहमान अली गनी हिंदुस्तान के बड़े बड़े पहलवानों का फैसला देते भैया, ये पप्पू पहलवान राम पहलवान जी। पब्लिक भी कितनी शांति से बैठे मेरे दोस्तों, पहलवान कृष्ण कृष्ण पहलवान का स्वागत कर रहे हैं, कृष्ण पहलवान राम पहलवान का स्वागत, एक दूसरे का स्वागत कर रहे भैया, दाव दिखाओ पहलवान दाव। दोनों ही पहलवान अपने दौर के अच्छे पहलवान है, अशफाक भी अपने दौर का ठीक है, अरबाज भी बहुत अच्छा पहलवान है। अरबाज पहलवान ने अन्नू पहलवान मालेगांव को अचलपुर काका घुमाया मेरे दोस्त, मुतकल्ली पहलवान है इन्होंने। ₹1,500 का इनाम है इस कुश्ती के ऊपर कमेटी की तरफ से, चिटपट हुई तो पूरे पैसे मिलेंगे, और बराबरी छूट गई तो दोनों को आधे आधे देंगे कमेटी, और कमेटी का बहुत मान सम्मान हो जाएगा भैया, कमेटी इनाम दे रही है आधा आधा। क्योंकि देखो पहलवान खून पसीने से कुश्ती लड़ता है, तो किराया भाड़ा खर्चा करके आता है, कुश्ती होती है उसके जेब में नोट होना जरूरी है। ये दोनों पहलवान 2500-3000 से कुश्ती कम नहीं देते ठीक है, मगर आगे है लड़ना है, छोटा भी दंगल को लड़ना है। ओस्ता जी ये YouTube चैनल वाला अल्ताफ पहलवान है, ये भी बेचारा खंडवा से कामयानी से आया है, 10 बजे आपको घर पहुंचेगा, उसको भी लिफाफा दे देना भैया। ये हमारे कमेटी है भैया, इनके गले में हार डाल दो हमारे उस्ताद जी के, ये हमारे उस्ताद जी ने दंगल बहुत सजाया है हमारे बड़े भाई ने, मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ भैया। भैया इन दोनों में से जो निकाल मारेगा तो एकनाथ पहलवान की तरफ से ₹500 का इनाम है, ₹2,000 का इनाम हो गया, और ये कुश्ती अगर बराबरी में छुट गई तो 750-750 पक्के। निकाल पहलवान मारने पे पप्पू पहलवान की तरफ से ₹1,000 का इनाम है भैया, ऐसे ₹3,000 हो गए भैया, ₹3,000 हो गए। और मैं तो ये चाहता हूँ कि यार पहलवान का हौसला अफजाई के लिए आरालत के पैसे दे दो उनको, ये बादाम लगते उस्ताद, ये महंगा है, दूध कितना ₹70 लीटर दूध हो गया,
बादाम देखो तो 700-800 लंबा खर्चा है। लो 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 नीचे छोड़ो बेटा। ए भार नहीं भार नहीं, ढीले नहीं होना। कड़े के बाहर आ गए तो छोड़ो। चलो जबरदस्ती नहीं देखने किसी को। लो और ये कुश्ती का थोड़ा ध्यान रखो, समय दम देखो बच्चों के, क्योंकि अपन ने घड़ी कुश्ती लड़ाए दो लोगों को, ठीक है पैसे नहीं दिए भाई एक ज्यादा देर जाना 15-20 मिनट जो भी है। पप्पू पहला आप टेम पे थोड़ा ध्यान दो, आपके हिसाब से कुश्ती छोड़ा जाएंगे। लड़ लो लड़ लो, दम बहुत है अभी उनके बच्चों में। एक घंटा जरूर चलते, जब बच्चा दंगल में 15-20 मिनट चलता। लड़ो बेटा, दाव करो दोनों, अरबाज दाव कर एक दूसरे को देखो पहले। लड़ो पैसे तो हर हालत के मिलेंगे दोनों, ये बात पता है। कमेटी दिल खोल के पैसे देंगी और बढ़ा के देंगी मेरे हिसाब से। 1 किलो बादाम अशफाक मेलान को पैसे मिलेंगे, 1 किलो अरबाज को बराबरी भी छोड़ दो। लड़ो जाएंगे बराबर कर पहले अरबाज जाएंगे, ढीलो गए तो पहले बराबर करो, कुश्ती लड़ते रहेंगे थोड़ी देर बाद। चल उसको जाएंगे बनाने दे पहले अशफाक, लक लक मत करे, जाएंगे बनाने दे उसको। पहले कपड़े पहन। ए बेटा कुत्ता, पहले 2 मिनट रुक गया। अरे तूने लड़ना मेरे भाई, तूने लड़ना, एक मिनट आना। एक कुत्ता पहले तूने लड़ना, जबरदस्ती को लड़ना है आप कह रहे थे। वाह भाई कुत्ता, पहले 2 मिनट मेरी बात तो सुन। 2 मिनट नौशाद पहलवान का कहना है कि मुतकल्ली पहलवान लड़े, 3000 रुपए का इनाम। वाह भाई वाह, देखो नोट ऐसे निकलते थोड़े देर से। हाँ लड़ो लड़ो, जाने वाले पहलवान 3000 रुपए का इनाम है। तीसरे पहलवान भुसावल के अंदर। वाह भाई पहलवान, जरा जल्दी आ देना तो तुम्हारे जल्दी गुस्से हो जाते। चलो देर से आए दुरुस्त आए। देखो भैया अपने स्टार अपने यहाँ पर ढूंढ रहे हो। चलो जाना पहले पहलवान, बता दिल जरा फिर मुझे पानी का नहीं। चिपट करो पहलवान, चिपट करो ना तो काका इनको घोड़ों को जरा खुले कर लो इनके लिए। ए, हमारे बड़े भाई है नौशाद पहलवान, उन्होंने बोल रहे हैं कुश्ती लगाओ। नौशाद पहलवान पहलवान बड़े हैं भाई, आगे भुसावल के जो उन्होंने बच्चा बनाया उनके साथ से नौशाद पहलवान जो बोलेंगे वो। विकास पहलवान दिल्ली कौन सी तालीम पे 36 साल वैम सालर। देखो मैंने अंदाजे लगाया था पहलवान, ये 36 साल का बच्चा आएगा और आ गया। देखो डीसी सर ऐसा रहता सालर मेरे आगे पहले पहले बड़ा बच्चा आएगा दिल्ली का, एक और ऑटोमेटिक आ गया। बहुत बेहतरीन कुश्ती है ये, अगर पहले आता है तो रेहान पहलवान से कुश्ती होती, मगर अब चलता है बाकी वाली करा मैंने ये पूरा कार्यक्रम बोलना भाई। अरे हो गई पहलवान, एक ही कुश्ती 10 बार होती है, कुश्ती बाद में हो जाएगी। अब अंधेरा भी हो रहा पहलवान, लेट रहता तो अपन ठीक नहीं होगा। वाह भैया ये कुश्ती पप्पू पहलवान थोड़ा देख लो आपके हिसाब से, 10 मिनट दे दो, 15 मिनट दे दो तुम्हारे हिसाब से। पप्पू पहला नाम भी देखो सर, अरे अंधेरा भी हो गया उसका, ये आखिरी दिल्ली का पहलवान आ गया, वो 15-20 मिनट लेगा। एक बच्चे की भी कुश्ती बाकी है अभी। लड़ो पहला लड़ो, दाव करो, किसी को चोट ना लगे, बस चोट मायने रखती कुश्ती में, किसी के हाथ को किसी के पैर को चोट ना लगे, छोड़ा देंगे। 5 मिनट का समय हमारे
पप्पू पहलवान और कमेटी की तरफ से। पहलवान को तैयार कराओ, इनको तैयार कराओ, देखो इनको तैयार कराओ। आप देखो टाइम मिलता, तुम देखो तुम्हारे अगले पहलवान को, अगले पहलवान, अगले पहलवान। पांच मिनट के समय में कुछ समय बचे हुए अभी कमेटी का पूरा ध्यान है घड़ी के ऊपर तो कुश्ती के ऊपर। जब तक कमेटी हाथ नहीं मारेगी कोई पहलवान नहीं छोड़ेगा ना तो कुश्ती नहीं दी जाएगी।